ओके, तो सैमसंग ने कल फ्लिपकार्ट में अपने सारे डील्स वगैरह रिवील कर दिए हैं। जो डील मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया उसके बारे में इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सैमसंग का गैलेक्सी S21 फाइन एडिशन जो कि 2023 में जो नया एडिशन लॉन्च हुआ विद स्नैपड्रैगन का 888 वेरियंट, पहला जो वेरियंट था एक्सिनोस के साथ था, एंड उसमें बैटरी ड्रेनिंग की इशू, हीटिंग इशू, ये सब कुछ देखने के लिए मिलती थी। बट उसे सॉल्व करने के लिए अभी उन्होंने जो है स्नैपड्रैगन का 888 वाला वेरियंट निकाला था, अभी 2-3 महीने पहले ही निकाला था। 50,000 का लॉन्च हुआ था, ऑफर के साथ 45 का देखने के लिए मिल रहा था, एंड अभी आप इसे 30,000 में ग्रैब कर सकते हैं। बट क्या आप इसे ग्रैब करेंगे 30,000 में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। लोग अभी भी कमेंट करके पूछते हैं कि S20 फैन एडिशन हमको लेना है क्या, कौन से प्राइस में आएगा एंड क्या लेना चाहिए। तो मेरा तो डायरेक्ट आंसर है कि भाई नहीं लेना है S20 फैन एडिशन इस टाइम पे। इवन S21 फैन एडिशन का भी एक्सिनोस वेरिएंट लोग लेने के लिए पूछ रहे थे, तो 24-25 का मेरे को लग रहा था आएगा, बट अभी नहीं लगता कि आएगा। एंड मुझे लगता है ये जो 888 वाला वेरिएंट है यही जो है सैमसंग इस बार बेचना चाहती है, एंड इस प्राइस में 30,000 में ले सकते हैं, एंड अभी इंक्लूडिंग ऑफर्स भी नहीं लिखा हुआ है, तो 30,000 का आ सकता है। इवन कार्ड ऑफर भी उसके ऊपर लग सकते हैं, तो अराउंड 28K का मिल सकता है, तो फिर स्टील डील है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बढ़िया कैमरास मिल जाते हैं एंड बहुत ज्यादा हीटिंग इशू आएगी नहीं। बट अभी भी गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन है नहीं, स्नैपड्रैगन 888 के साथ भी हीटिंग इशू देखने के लिए मिली है, बट अभी एक्सिनोस जैसा उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। एक्सिनोस के साथ क्या होता था कि नॉर्मल टास्क भी थोड़ा सा इंटेंसिव, जैसे फोटो एडिटिंग भी करते थे ना, तो वो थ्रॉटल करने लगता था S21 के साथ। मैंने नॉर्मल S21 भी यूज करके देखा हुआ है, सेम जो एक्सिनोस वेरिएंट का, नॉट फैन एडिशन, बट वो देखा है मैंने, नॉर्मल फोटो एडिटिंग में भी वो थ्रॉटल करता था। बट इस तरीके का दिक्कत आपको स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा नहीं, एंड ये ऑलमोस्ट 7 लाख के ऊपर, 7.5 लाख, 8 लाख के आसपास का स्कोर कर सकता है, एंड 60 FPS की गेमिंग भी आपको ठीक ठाक करवा देगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी 2-3 घंटा एक साथ गेम खेलना है, तो फिर वो थ्रॉटलिंग इशू आपको थोड़ी सी देखने के लिए मिलेगी। वो स्नैपड्रैगन 888 भी बदनाम है, 8 Gen 1 भी जैसे बदनाम था, 8+ Gen 1 बेटर देखने के लिए मिलता है। तो अगर प्रॉपर गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको IQ Neo 7 Pro देखने के लिए मिलता है, या पोको F5 देखने के लिए मिलता है, जो कि और भी सस्ता है। आपको पता है क्या डील निकल के आई है, तो आप 20,000-21,000 का ग्रैब कर सकते हैं पोको F5 एंड 30,000 का। बट ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जो S21 फैन एडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो अभी भी गेमर्स के लिए नहीं है। बट नॉर्मल डे टू डे टास्क में जो दिक्कत एक्सिनोस के साथ थी, कि नॉर्मल फोटो एडिटिंग में भी आपको दिक्कत वगैरह आती थी एंड थ्रॉटल करने लगता था, तो वो दिक्कत स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगी नहीं, एंड रिलायबल है क्योंकि स्नैपड्रैगन है। अपडेट का सीन मैं बता देता हूं, मुझे लगता है 2016 तक यहां पर एंड्रॉइड का जो है मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, एक साल फिर सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। नॉर्मली फैन एडिशन है तो 4+5 ईयर का अपडेट होता है, एंड इवन ए सीरीज का भी होता है, इवन बहुत सारे एफ सीरीज एंड एम सीरीज के स्मार्टफोन में 4+5 का चल रहा है। बट क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 है, तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा अपडेट आएंगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 भी जो है एंड्रॉइड के मेजर अपडेट्स नहीं ले पाएगा, तो 2016 तक ले सकता है मैक्स, एंड उसके बाद एक ईयर का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलेगा। कैमरा बहुत सही देखने के लिए मिलता है, 12 MP का मेन कैमरा विद OIS, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 8 MP का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट्स लेता है, इवन अल्ट्रा वाइड मेन से बहुत बढ़िया पिक्स ले सकते हैं, वीडियो के लिए भी अच्छा है। फ्रंट में 32 MP देखने के लिए मिलता है, ले सकते हैं 4K वीडियो फ्रंट कैमरा से भी, इवन ऑल 3 कैमरा से ले सकते हैं, एंड स्विच भी कर पाओगे। कैमरास के लिए बहुत सही डील है, पिक्सल के अलावा डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। अभी पिक्सल 6a का डील आया नहीं है, अभी कंफ्यूजन है, कल देखते हैं कि रिवील होता है पिक्सल 6a का क्या डील आता है। पिक्सल 7 ने थोड़ा सा ओवर प्राइस चला गया है, तो अभी जो कैमरा लवर्स है जिनको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए था, S21 फैन एडिशन डेफिनेटली जाके ले सकते हैं, रिकमेंडेड है। कोई ऐसा बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आएगा, बट बहुत लंबा टाइम के लिए गेमिंग नहीं कर पाओगे, एंड बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा सो देखने के लिए मिलेगा, एंड कोई चार्जर नहीं मिलेगा, 25 वॉट का चार्जर परचेस करना पड़ेगा, वो 1000 रुपीज अलग से, एंड अच्छा बैक कवर भी लेना पड़ेगा, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्री अप्लाइड नहीं मिलेगा। तो ये सारे एक्सेसरीज अगर लेने वाले तो पहले बाय करके रख दो, क्योंकि फोन पहले आ जाएगा, एक्सेसरीज आने में टाइम लगेगा, सेल का सीजन जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो डिलीवरी टाइम बहुत बढ़ते रहेगा। वैसे मैंने तो पर्सनली कभी S21 फैन एडिशन यूज नहीं किया है, ना ही नया वाला ना ही पुराने वाला, तो अगर आप लेने की सोच रहे हो, एकदम मन बना लिया है, तो मैं आपको कहूंगा एक कंपैरिजन वीडियो है, जो पुराने वाला था एक्सिनोस वाला वेरिएंट एंड जो नया वेरिएंट आया है स्नैपड्रैगन 888 के साथ, उसका कंपैरिजन किया है गुप्ता जी ने, गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भैया हमारे फोन वगैरह तोड़ते हैं ना, तो वो भैया ने करा हुआ है, उनका वीडियो जरूर जाके देख लेना अगर लेने की सोच रहे हो तो। उन्होंने क्लियरली बताया कितना डिफरेंस है दोनों में, एंड अच्छा खासा डिफरेंस है स्पेशली कैमरा में, वो वीडियो जाके देख लेना। तो ये था S21 फैन एडिशन के बारे में, आपको कैसा लगा वीडियो भाई बता सकते हो, क्या पूछना है पूछ लो कमेंट में, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।